तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे अपने इसके बारे में, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। बेसिकली मैं एक्सेल के अंदर वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, राइट सर? जी हम एक्सेल के अंदर वीडियो प्ले करना चाहते हैं और मेरी सारी वीडियोज एक ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। जैसे कि अगर हम इस पे जाते हैं, हाँ, अगस्त नाम का एक फोल्डर है, उसमें सारी वीडियोज पड़े। तो कैसे करें? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे एक बटन बनाऊंगा जो कि मेरा लोकेशन को सर्च करेगा और यहां मुझे अपने फाइल लिस्ट लाके देगा। ठीक है, फाइल लिस्ट, और जिस फाइल लिस्ट पे क्लिक करूंगा मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा, राइट? मैं यहां से एक फॉर्मेट बना देता हूं। इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल सा रखता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे यहां बटन चाहिए, बटन पे लिखने के लिए माइक्रो चाहिए। तो हम यहां पे जाते हैं डेवलपर के विजुअल बेसिक में और यहाँ बुक टू में आते हैं। बुक टू में हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं क्योंकि तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे माइक्रो के ऊपर सब्जेक्ट फाइल लिस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज डिम एफ एन एज ए रेंज एफ एन एज ये करते हैं एफ एन एज ए स्ट्रिंग। लेकिन उससे पहले मुझे ब्राउज बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है? पी एज ए पाथ एज ए स्ट्रिंग अगेन। और यहां पे लिखेंगे ब्राउज एप्लीकेशन डॉट गेट फाइल नेम, नहीं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डायरेक्टिव फाइल नेम नहीं होगा इसमें। कमांड होता है फॉर्म डायरेक्टरी, फाइल नेम से सिर्फ फाइल का नेम आएगा बट मैं फॉर्म डायरेक्टरी करना चाहता हूं। मैं कोड का नाम मेरे पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा। एक आता है इसमें आता है। हाँ, फाइल डायलॉग बताया मुझे याद था, लेकिन पता नहीं। फाइल डायलॉग, इसके अंदर में हम लिखेंगे और यहाँ पे फोल्डर पी का, ठीक है? क्योंकि तो फोल्डर चाहिए ना, फोल्डर पी। अब मुझे यहाँ पे बिथ करना पड़ेगा, बिथ। उसके बाद डॉल इन स्लाइज, स्लाइज फाइल नेम मतलब कि आपको एक डिफॉल्ट फोल्डर का लोकेशन देना होगा कि ओपन करते समय डिफॉल्ट फोल्डर क्या आना चाहिए। उधर आप खोलते हैं तो माय डॉक्यूमेंट बगैर दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल देना चाहते हो तो दिया हमें टाइटल, आप इक्वल करना होगा स्पेस में, इक्वल टाइटल में सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है? और यहाँ पे हम वापस करेंगे p इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे एंड गिट करेंगे, राइट? एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। मैं एक बटन लेता हूँ, इसमें डेवलपर से ही एक बटन
देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। एडिट टेक्स्ट, ये एक्टिव एक्स है, बटन नहीं ले रहे हम लोग, फॉर्म कंट्रोल से ले रहे। हाँ फॉर्म कंट्रोल से ले रहे हैं। अच्छा, पहले आप एक्टिव एक्स से ले रहे थे ना, पहले वाले एक्सप्लेनेशन हाँ तो दिखाया जो। आप एक्टिवेस में अच्छा जब आपको एक कोडिंग आपको वहीं पे करनी है, राइटर स्किप कर दीजिए। अच्छा इसने सी डिलीट कर दिया, बटन डिलीट कर दिया तो गया। यहाँ हमारा जवाब है यहाँ वाटर। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या? हाँ इसके अंदर इंडेक्स नंबर लगा होता है, जनरली हम लोग जीरो देते हैं, तो जीरो ले नहीं रहा है क्या? ओके ब्लैंक छोड़े तो। अच्छा नहीं नहीं माफ कीजिएगा, इसमें हमने डॉट शो हमने नहीं किया है, माफ कीजिएगा। ठीक ये ना, अब आया ना हाँ डॉट शो से तो दिख ही रहा था, इसको हाँ यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब पी के ऊपर आ गया, अब पी की वैल्यू मैं चाहता हूँ A2 में, तो यहां मैं लिखता हूँ रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू पी। ठीक है, देखो। अब मैंने इसको क्लिक किया और हमने मान लीजिए कि अगस्त का ही चाहिए तो ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया अगस्त का पूरा पाथ, जी बट साइड में स्लाइडर नहीं आया ना सर, ये तो चाहिए ना सर। तो हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे पी में आ गया, तो मैं यहाँ पे पी इक्वल टू पी के साथ हमने ये लास्ट में बैक स्लैश ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ अब आया डिम एफ एन एस स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डू वाइल, सॉरी माफ कीजिएगा, एफ एन इक्वल टू डी आई आर एक्टिव फंक्शन, और इसके अंदर में पी, और पी के साथ हम क्या करेंगे, कॉनकेट करेंगे स्टार डॉट MPG4। ठीक है, MPG4 फिर डू व्हाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक और रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू पी, और फिर हम क्या करेंगे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और फिर यहां पे लिखेंगे लूप। ठीक है सर, अब इससे क्या होगा कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और हम फोल्डर सिलेक्ट करके ओके करेंगे, लिस्ट नहीं आया, फोल्डर नहीं सिलेक्ट किया ना ऐसे। नहीं आ गया हो सकता अच्छा है, वो हो सकता है इसका जो फाइल का पोपी है एक्सटेंशन है MP4 MP4। ओके okay. सॉरी पी आ गया, तो पी नहीं आते, एफएन चाहिए ना। चलो यार वही था एक्सटेंशन जी में प्रॉब्लम था, स्पेस वगैरह बदल गई आ गए सर। जी अब मेरा अगला ऑप्शन है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो क्लिक करते ही वो वीडियो यहां पे प्ले हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट के जाएंगे इसमें
मोर टूल्स। मोर टूल्स में आने के बाद हमने यहाँ पे विंडो मिरर प्लेयर को क्लिक किया और इस यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद राइट क्लिक करके जाएंगे इसमें व्यू कोड में, राइट जा सकते हैं यहाँ से वर्कशीट और यहाँ से सिलेक्शन, सिलेक्शन चेंज। और सबसे पहले सिलेक्शन चेंज हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ एक कॉलम नहीं करना चाहते सिर्फ और फाइव रो से ज्यादा। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ टारगेट डॉट कॉलन इज इक्वल टू वन एंड टारगेट डॉट रो इज ग्रेटर देन फोर दैन। और यहाँ पे आपका क्या है विंडोज मिरर प्लेयर, यहाँ पे सीट वन भी दे सकते हैं, सीट वन डॉट विंडो मिरर प्लेयर डॉट वन डॉट यू आर एल इज इक्वल टू, यह आता ए टू की वैल्यू राइट जी, रेंज ए टू डॉट वैल्यू इसके साथ कंबाइन होगा टारगेट डॉट और यहां पे, ठीक है सर। अब मैं यहां से डिजाइन मोड हटाता हूं, क्लिक किया, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं उस इफ, तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ये माइक्रो प्रोग्राम। हां जी, तो इफ का फॉर्मूला जी, तो आज ठीक है इस क्लास तो फिल के अंदर तो यहां पे हम बात कर रहे हैं व्हाइल में सक्सेस से डली। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा पर देखना पड़ेगा फिर से मुझे। देखिए इसका सिंपल सी बात समझ लीजिए, डिजाइन मोड में जाइए, इसके अंदर चेंज नहीं करना चाहते, इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूं मैं और इसका विड्थ ये आ गया या इसमें इसकी यहाँ पे यहाँ पे ऑटो लोड फॉल्स है, एम्बेड फॉल्स है, अनेबल फुल स्क्रीन फॉल्स है, हाइट विड्थ लॉक्ड ट्रू है, ठीक तो है, स्ट्रेस टू फिट इसको ट्रू कर देता हूँ। यह मोड लगता है तो आज की हमारी इस क्लास में, ठीक है, राइट। देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए क्या है, सबसे पहले हमने एक ब्राउज बटन बनाया, क्या बनाया ब्राउज, जैसे ओपन वगैरह में होता है ना, ओपन करने में बटन ये जो आते हैं जी, इसके लिए हमने यूज किया प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी के फीचर्स को, जिसके लिए हमने कोड किया एक एप्लीकेशन फाइल डायलॉग में, तो हमने लिखा विद एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग और क्या चाहिए तो फाइल फोल्डर भी कर चाहिए जी। तो डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, तो हमने यहाँ पे दे दिया टाइटल, दे दिया शो, दे दिया, उसके बाद जो सिलेक्टेड आइटम होगा उसका हमने क्या कर दिया पी पे स्टोर कर दिया जी। ओके, और सिलेक्टेड आइटम वन क्यों लिखा है, क्योंकि सर इसमें इसमें एक फीचर है जो कि आगे पढ़ाऊंगा कि हम एक साथ कई सारे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके, और यहाँ इसकी जरूरत नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद हम पी के साथ डाल दिए ताकि हर जगह पे डालना नंबर है, फिर हम ऐसी पाथ शो करने के लिए भाई पाथ क्या है हमारा हमने ही डाल दिया, ठीक है। हमारा पी एक मिनट प्लीज, तो P and ये backslash क्यों लिखा है हमने? So, इसलिए आला कि यहाँ पे backslash आ जाए। Okay. क्योंकि backslash आपको यहाँ भी चाहिए ना सर? हाँ। और वापस जहाँ विंडो मिरर प्लेयर के मैंने कोडिंग किया वहाँ भी चाहिए। Okay. तो अगर मैं यहाँ नहीं डालता तो दोनों जगह तीनों जगह डालना पड़ता ना? समझे? Okay. उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन की ये तो पता ही आपको कि सारे हमने फाइल नेम ले लिए, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद हमने डेवलपर टाइप के अंदर इंसर्ट में मोर टूल्स के अंदर हमने विंडो प्लेयर को लिया और ड्रैग कर दिया।
इसकी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग पे चले गए सीट वन। इसमें हमने सिंपल से बोला कि इफ टारगेट डॉट कॉलम, मतलब जहां हम क्लिक कर रहे हैं उसका कॉलम वन होना चाहिए, साथ में उसकी रो ग्रेटर देन फोर होनी चाहिए, ताकि मैं यहाँ क्लिक करूं चाहे यहाँ करूं चाहे यहाँ करूं तो रन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना सर, इसलिए रन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ। और हमने सिंपल बोला है कि विंडो मीडिया प्लेयर का जो यू आर एल है, मतलब की जो फाइल पास है इस वीडियो को प्ले करना है, वो ए है। तो इसके क्या हो गया, ये आपका पहला आ गया, आपका पाथ जो ऊपर दिया हुआ था, और उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जहां पे क्लिक करूंगा उसका वैल्यू। यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करके इसकी वैल्यू चली जाएगी, अभी नहीं हुआ क्योंकि डिजाइन मोड एक्टिवेटेड है। ओके ओके क्लियर है। ये थोड़ा पहला वाला सर अब यही है, ये इवेंट के पहले वाला जो मॉड्यूल में लिखा है, मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है ये वाला तो आपको आता ही है ना, आधा ए हाँ, फोल्डर पिकर है। अगर आपकी पाथ फिक्स है ना सर तो जरूरत नहीं है, बट हमने डाला कि भाई आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। ओके, इससे फायदा ये होगा कि ये वीडियो एक फाइल में आप किसी को भी दे दूं, हर कोई यूज कर पाएगा क्योंकि पाथ वो अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। जी समझ गए जी, तो बाय डिफॉल्ट डी में खुलेगा अगस्त के अंदर, लेकिन उसको चाहिए तो से चेंज कर सकते। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर इंस्टॉलेशन में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट का हम ले लेते हैं। फंक्शन होता है एवरॉन, एवरॉन डॉलर का फंक्शन होता है, देखिएगा सर्च कीजिएगा जी, इसके अंदर में आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो, डेस्कटॉप का पूरा लोकेशन आ जाता है, देखा हुआ कहीं मैंने, याद आ रहा है। ठीक है जी, और ये fn, fn तो सिंपली वो डायरेक्टरी फंक्शन से वो नाम निकाल रहा है फाइल्स के, ये तो आपका ये है लूप है, आप यूज करते हैं ना। जी जी नहीं नहीं, वो फाइल का नाम निकालने के लिए वो fn स्ट्रिंग लगाया ना हमने। जी 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 ओके ठीक है जी जी। एवरॉन मतलब आपको पता है, मैं बता दूं, अभी सुना हुआ है लेकिन मतलब इतना ही पता है कि वो इसमें वो डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता है बाय डिफॉल्ट, यूजर के डेस्कटॉप पे फोल्डर या जो भी है पास हो जाता है। हाँ तो कहीं सुना था मैंने, अभी इतना डिटेल में यूज कैसा है क्या है मैंने खुद से किया नहीं है। तो तो ये मॉड्यूल के अंदर वाला तो ठीक है अपनी रिक्वायरमेंट से, मेन है वही जो टारगेट डॉट वैल्यू उसके अंदर, मतलब अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ये वो चलेगा, मतलब जो भी है ना। ओके देखिए यहाँ पे जो एवरॉन वाला फंक्शन है उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिम F as a as a string, और F तो है F है ना, F हम यहाँ पे F equal to यहाँ पे देना होता है E N V I R O N Evron, ठीक है। और इसमें डॉलर साइन ब्रैकेट में ऑन करना होता है, आगे इसमें हमें देना होता है इनवर्टेड कॉमा में यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे एम एस जी बॉक्स में देखता हूं क्या आया है। एंड करता हूं, एंड करता हूं, बाकी नीचे का वर्क ना चले। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे एफ इक्वल टू F के साथ एंड परसेंट स्लैश क्या करेंगे,
एन परसेंट डेस्कटॉप या जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, वो आप टीएमपी फाइल चाहिए तो टीएमपी डालेंगे तो टीएमपी आ जाएगा, पब्लिक डालेंगे तो पब्लिक आ जाएगा, ठीक है। ऐप डेटा डालेंगे तो ऐप आ जाएगा, लोकल ऐप डेटा डालेंगे, सिस्टम ड्राइव आएगा, तो बहुत सारे इसके अंदर होम ड्राइव है, होम पाथ है, होम पाथ भी आ जाएगा। तो इसमें होम पाथ डाल के देखते क्या है, बताते हैं फिलहाल इसको, इसको बंद करते हैं। इतना लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये अगस्त के जगह पे आप क्या कर दीजिए, एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, सिंपल सा। ओके क्योंकि फाइल को डाउनलोड करेंगे सेव तो करेगा ना सर। ओके तो ये करने से क्या होगा, वो कहां से खुलेगा? ये करने से क्या होगा कि किसी भी पीसी पे चल जाएगा, जैसे वो यहां पे ओपन पे क्लिक करेगा, जी सॉरी यहां पे एंड मैंने हटाया नहीं, तो इसे खुलेगा जी। मिलते हैं कल सिंपल जी, भाई इसको ये ट्राई करता हूँ मैं खुद, क्योंकि अभी तो इतना सारा देख के थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा, जब खुद करूँ तब समझे।